युवा साथियों और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को झुमका जल महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके इस क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री श्री भैयालाल राजवाड़े जी को। उनका बहुत ही आग्रह था कि इस महोत्सव में हम आए, और आप लोगों ने आज बड़ा आत्मीय यहां पर स्वागत किया है, इसके लिए आप सभी लोगों का हम आभारी हैं। और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद आपके जिले में हमारा पहला आगमन हुआ है, और आप सब लोगों ने मोदी की गारंटी में विश्वास करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करके, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके ऐतिहासिक विजय छत्तीसगढ़ में दिलाए हैं, सरगुजा संभाग में दिलाए हैं। सरगुजा संभाग के पूरे 14 के 14 विधानसभा सीट को जीता के मोदी जी को सौंपे हैं, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऊपर से देख रहे थे हेलीकॉप्टर से, आपका ये जिला बड़ा ही सुंदर जिला है, और यहाँ के आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत बढ़िया हैं, इसलिए कहा भी गया है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज हम मुख्यमंत्री के नाते यहां पर आए हैं तो कई खुशखबरी भी लेके यहां पर आए हैं। एक तो हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए खुशखबरी है, कल के ही कैबिनेट बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी विवाहित माताएं बहनें हैं और चुनाव प्रचार के दौरान महतारी बंधन योजना का जिक्र हुआ था, तो कल के कैबिनेट में ही हम लोग निर्णय लिए हैं कि ऐसे सभी हमारी माता बहनों को अब साल का 12,000 रुपया उनके खाते में आएगा, ये हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। अब बहुत जल्दी उनके खाता में आएगा, इसलिए हमारी सभी माता बहनों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। उसी तरह से कल के कैबिनेट में ही निर्णय लिए हैं, और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इधर भी तेंदुपत्ता होगा जिसको हरा सोना बोलते हैं, तो 4,000 प्रति मानक बोरा मिलता था, उसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा देने का निर्णय कल ही हम लोगों ने किया है, क्योंकि आने वाले समय में तेंदुपत्ता का सीजन आ रहा है। तो दूसरी ये खुशखबरी है इस क्षेत्र के लिए। और तीसरा खुशखबरी है कि आज 74 करोड़ रुपए के विकास कामों का यहां पर लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं, जिसमें 58 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन है और 16 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण है, तो इसके भी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका ये झुमका जलाशय इस जिले की शान है। मैं एरिया पूछ रहा था तो कलेक्टर साहब ने बताया कि 200 हेक्टर मतलब 500 एकड़ का ये तालाब, और मैंने कहा कि प्राकृतिक है कि ये मानव निर्मित है, तो उन्होंने कहा कि मानव निर्मित है, तो बहुत ही ऐतिहासिक है कि 500 एकड़ का तालाब ये इंसान के द्वारा बनवाया गया है। और वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ में तालाब बनवाने की एक पुरानी परंपरा है, और हमारे पुराणों में भी तालाब निर्माण को बहुत पुण्य का काम माना गया है। इस झुमका जलाशय से आदरणीय राजवाड़े जी बता रहे थे कि हजारों एकड़ में सिंचाई भी होती है,
और इससे हजारों लोगों का जीवन का आधार भी जुड़ा हुआ है। आदरणीय राजवाड़ी जी ने बहुत सारा मांग यहां पर रखा है, हम उनको आश्वस्त करना चाहेंगे कि धीरे धीरे आपका सभी काम होगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन आज इस अवसर पर आए हैं तो एक तो उन्होंने आग्रह किया है कि झुमका जलाशय बैकुंठपुर और घुंघुटा जलाशय सोनहत को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए, तो मैं उनकी पहली मांग को स्वीकार करते हुए झुमका जलाशय बैकुंठपुर और घुंघुटा जलाशय सोनहत को पर्यटन क्षेत्र घोषित करता हूं। यहां पर पर्यटन क्षेत्र घोषित हो जाने से बहुत सारे काम यहां पर होंगे और बहुत सारा काम यहां पर चालू हुई है, कई काम के टेंडर लगे हुए हैं। यहां पर स्टॉल में आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या काम होने वाला है। यहां पर जिला प्रशासन उसका एक लगा के रखे हैं। उसी तरह से कोरिया में नालंदा परिसर की भी मांग आदरणीय राजवाड़ी जी ने किया है। आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि रायपुर जो प्रदेश की राजधानी है वहां पर नालंदा परिसर है। नालंदा परिसर का मतलब वहां पर जितने भी हमारे जो टैलेंटेड बेटा बेटी भाई बहन हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और कई गरीब भी होते हैं, तो उनके लिए वहां पर हर तरह का सुविधा ऐसा वो परिसर होता है। मैं इसी साल रायपुर स्थित नालंदा परिसर में गया था तो वहां पर 2000 बच्चे वहां पर रात और दिन 24 घंटे खुला रहता है और हर तरह की सुविधा वहां पर किताब से लेकर सब कुछ वहां पर उपलब्ध है, जो कि हमारे टैलेंटेड बेटा बेटियों के लिए बहुत वरदान साबित हो रहा है। और हमने वहां पर एक और परिसर का घोषणा किया है, कहे कि वहां पर वेटिंग में बहुत बच्चे हैं, 2000 की कैपेसिटी है लेकिन उससे कई गुना ज्यादा बच्चे रायपुर में मतलब वेटिंग में हैं और बहुत अच्छा उसका उपयोग है। तो यहां पर हम पूछ रहे थे कि भाई यहां पर परिसर तो खोल देंगे कि बच्चे मिलेंगे कि नहीं, तो राजवाड़ी जी बता रहे थे कि पूरा SCCL का क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से हमारे गांव में भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, तो कोरिया में भी एक मैं ऐसे परिसर की घोषणा करता हूं जहां पर इस क्षेत्र के हमारे जो ऐसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे उनको सभी चीज की सुविधा यहां पर उपलब्ध होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि परिसर का नाम आप कोई दूसरा सोच सकते हैं, नालंदा के जगह पर कोई दूसरा परिसर का नाम सोच सकते हैं और नालंदा भी रखेंगे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, तो नालंदा परिसर की हम घोषणा करते हैं। और आज आपके इस भाई को मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए, हमारी सरकार को काम करते हुए मुश्किल से 1.5 महीना हुआ है, लेकिन इस 1.5 महीने में ही हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल के गए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो पिछले 5 साल में जो 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए ग्रामीण क्षेत्रों में, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति करने का होगा। और मुझे मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर हम लोग ये निर्णय ले लिए कि 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा। अब जो 5 साल वंचित हो गए ऐसे सभी गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा,
दूसरा मोदी की गारंटी में वादा था कि जो दो साल का बोरा से जो बताया था उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं उस दिन किसानों का दो साल का बकाया बोनस देंगे। और आप सबको ये भी बताते हुए गौरव हो रहा है कि 25 दिसंबर को ही हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों को 3,716 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में हस्तांतरित करने का काम 25 दिसंबर को किया। तो दूसरा ये हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने में हम लोग सफल हुए हैं। हमारे मोदी जी चुनाव प्रचार के दौरान ये भी आश्वस्त किए थे कि पिछले समय जो हमारे प्रदेश के भविष्य हैं, हमारे बेटा बेटी हैं, पीएससी में घोटाला हुआ था उसकी भी जांच कराएंगे। और आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जो पीएससी में घोटाला हुआ है उसकी जांच हम लोग सीबीआई को सौंप देंगे। अब उसने जो भी कोई गलती किया है वो बचेगा नहीं, उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर में कार्यवाही होगी। अब 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदना शुरू हो गया है, अब तो अंतिम समय आ गया है, कल अंतिम समय था, लेकिन किसानों का बड़ा आग्रह था, बीच में छुट्टियां पड़ गई, बारिश हो गई, इस वजह से धान नहीं बेच पाए। तो किसानों के आग्रह पर 4 दिन हम लोगों ने धान खरीदी का समय बढ़ाया है, 4 फरवरी तक धान खरीदी होगा। और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की भी बात हुई थी और सभी किसानों को एमएसपी जो समर्थन मूल्य है उसकी राशि मिल रहा है, 48 घंटे में ही उसके भुगतान की व्यवस्था किए हैं। और जो अंतर की राशि है 917 रुपये प्रति क्विंटल जो अंतर की राशि है बहुत जल्दी एक मुश्त किसानों के खाते में ये भी भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से जो भी वादा हम लोगों ने मोदी की गारंटी में किया है आने वाले समय में पूरा करेंगे, चाहे वो आपका 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम हो या जो भूमिहीन मजदूर हैं किसान हैं उनको सहयोग के रूप में 10,000 रुपया साल का देने की बात हो या 1 लाख जो बैकला कप्पत छत्तीसगढ़ में है उसको पूरा पारदर्शिता के साथ भर्ती करने का काम हो। अब हम लोग सीजीपीएससी को भी यूपीएससी के तर्ज पर बिल्कुल पारदर्शी के साथ वो एग्जाम की व्यवस्था भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के जो भी वादा हमारी पार्टी हमारी सरकार का मोदी की गारंटी में है, मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले 5 साल में सभी को पूरा किया जाएगा। और 22 तारीख को अयोध्या में रामलाला विराज गए हैं और हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ वालों का कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम हमारे भांजा हैं और 500 साल से भी ज्यादा संघर्ष और लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद वो शुभ दिन हम लोगों को देखने को मिला है। 22 तारीख को भगवान राम विराज गए हैं और हम लोग की मोदी की गारंटी में भी एक योजना है रामलला दर्शन योजना। रामलला दर्शन योजना में जिस तरह से 15 साल में तीर्थयात्रा योजना था, बहुत लोग गए होंगे आप लोगों में से जो बुजुर्ग हैं, कितनी सुख सुविधा के साथ कई तीर्थों का दर्शन करके आते थे, उसी तरह से रामलला दर्शन योजना में भी छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकारी खर्चे पर अयोध्या ले जाया जाएगा और भगवान राम का दर्शन करके उनको सकुशल वापस लाया जाएगा। तो इस तरह से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है। और ज्यादा नहीं कहते हुए कई कार्यक्रम में हम लोग को और आगे भी जाना है, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को
झुमका जल महोत्सव की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का मार्गदर्शन इस सरकार को ठीक से चलाने के लिए मैं आप ही के संभाग का हूं और आप लोगों ने जो ऐतिहासिक विजय इस संभाग से दिलाई है उसी का परिणाम है कि आपका इस संभाग का बेटा आज मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। तो आप सभी लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, स्नेह चाहिए इस पद को मतलब सुशोभित करने के लिए और छत्तीसगढ़ की सेवा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।